तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार, उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे। हम लोग आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के न्यू एपिसोड के साथ, तो है हमारा एपिसोड नंबर 4। तो आज हम लोग जाएंगे माइनिंग के लिए और थोड़ा सा हो सके तो नेदर पे एक्सप्लोर कर लेंगे या उसको अगले पार्ट में कर लेंगे, देखेंगे। और हाँ, हम लोग डायमंड ही ढूंढेंगे क्योंकि हमको एक डायमंड पिकैक्स भी चाहिए। तो अभी हम लोग फटाफट से माइनिंग के लिए निकलते हैं। ओके सो गाइस, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जाऊँगा ये इस वाली केव में जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, हाँ ये वाली केव में जहाँ से मैंने बहुत सारा कॉबलस्टोन माइन किया था। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। एंड हाँ गाइस, अब मुझको याद नहीं कि मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था कि ना मुझको जब पिछले एपिसोड में जब मैं माइन कर रहा था कॉबलस्टोन को कैसल बनाने के टाइम, तब मुझको यहाँ पर अपना एक विलेज मिला था, यहीं से मैंने ट्रैप डोर सब लिया था। तो गाइस अच्छा हाँ, आपको एक और बात बता देता हूँ, जो आपको सामने गड्ढा सा लग रहा है ना, वो भी गाइस मेरे भाई ये किसने मारा यार, भाई ना कुछ है, मैं फॉल डैमेज भी नहीं लिया, पता नहीं कैसे ना मेरे से बहुत देर तक हो रहा है। और गाइस एक्सपी भी मिला थोड़ा सा, हो सकता है कोई ज़ॉम्बी आ गया हो बाहर चूज़र हो जाओ, जो भी हो गाइस। अब मैं आपको उसके अंदर चल कर दिखाता हूँ भाई वो क्या है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, आपको सबसे पहले यहाँ पर आकर टॉर्च लगा के दिखा देता हूँ। थोड़ा आगे भी चल लेते हैं गाइस, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। ये देख लो गाइस, बस इतनी सी केव है ये, कितनी ज़्यादा गंदी केव है। और गाइस मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस ये ट्रैप डोर भी मैंने लगाया था, तो जो भी होगा गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने माइनिंग की पोजीशन पर जाके। ओके सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पहाड़ पे। तो मैं थोड़ा घूम के आया था यहाँ पे, और गाइस मेरे घर के पीछे वाला ही पहाड़ है और यहाँ पर उसको एक केव मिल चुकी है। हम लोग जाकर देखते हैं कि ये कितनी गहरी है, और भाई हमको कुछ ज़्यादा अच्छा ये जरा सी तो गहरी है। चलो गाइस अब यहाँ सब चलते हैं नीचे। ये अच्छा भाई डैमेज पड़ गया, वो भाई कितनी ज़्यादा गहरी है ये। कोई बात नहीं गाइस, शॉर्ट्स लगाते हैं, यहाँ से हम वाटर बकेट ट्रिक करेंगे। 3 2 1 गो। ओके भाई बच गए हम, ठीक है गाइस जो भी हो। अब हम यहाँ से थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि नीचे माइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझको जॉम्बी की आवाज, ओ भाई मैंने लिया, मैंने बोला कि जॉम्बी की आवाज आ रही है। और यहाँ पे नीचे एक और केव है, ये केव है क्या है भाई, कुछ ज़्यादा गहरी केव नहीं है यहाँ पे। मैंने जहाँ तक सुना है ना कि पहाड़ पे भाई बहुत गहरी केव होती है। तो भाई अभी इसके नीचे एक ब्लॉक है, तो हम लोग पहले थोड़ा सा नीचे चलते ताकि हम अच्छे से टॉर्च लगा पाएँ। चल रहे यार इतना ड्रामे को खर्चा। ओके भाई ये तो कुछ ज़्यादा गहरी लग रही है, अरे नहीं थोड़ी सी गहरी है मेरे हिसाब से, हमको उस साइड पर जाना चाहिए। या नहीं यार मैंने कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ गाइस। हम लोग यहाँ से पानी डालेंगे और हम इसके ऊपर ही कूद जाएंगे, क्योंकि भाई कभी मैं फेल हो गया ना बकेट ट्रिक में मैं मर जाऊँगा भाई। चलो जो भी होगा सब, हम यहाँ से फटाफट से नीचे चलते हैं। अगर अगर आपको मेरी थोड़ी सी बस बुरी आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ करना, ज़रा मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर पता नहीं पानी क्यों डाला, भाई नीचे भी पानी है क्या, जो टॉर्च लग रही है गहरी कुछ ज़्यादा। देखा गाइस मुझको लग ही रहा था पानी होगा, अरे यहाँ पर लग जाओ। छोड़ो भाई नीचे चलते हैं, चल अरे भाई यार। चलो भाई अब हम यहाँ से फटाफट से नीचे चलते हैं टॉर्च लगा लगा के। ओके ओके चलो, अरे यार क्या हो रहा है मेरे प्लेयर को, ये यहाँ पे लगाओ टॉर्च कूदो। ओके ठीक है गाइस, जी देखना कैसी जगह, ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों जगह से पैक दूँ। यहाँ पे ये पानी है क्या, अरे भाई भाई नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया। ओनो भाई साहब एक सेकंड के लिए मुझको लगा थी मैं मर ही गया, ये पता नहीं भाई पानी कैसा ढकेल के आ गया मुझको, कितना गंदा पानी था ये। चलो अरे नहीं 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 नहीं, मरा मरा मरा। ओनो भाई ये बहुत गहरी गेम है उसको कुछ, अच्छा चलो गाइस लावा पे भी आ गए। और अब ठीक है भाई, अभी हम लोग हैं कोऑर्डिनेट 14 पर ना, 2 ब्लॉक नीचे जाएंगे तब डायमंड मिलने के सारे चांसेस रहेंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं फटाफट से नीचे, इसको पहले तोड़ लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ पहले चेक कर लूँ कहीं नीचे लावा, भाई ये ग्रेवल क्यों है यार, ग्रेवल को भी तोड़ो, ये टूट गया। चलो गाइस ठीक है भाई फटाफट से तोड़ लिया, बस ना हमारे नीचे लावा ना, क्योंकि नीचे ऑब्सिडियन है। ठीक है भाई लावा तो होना ही था यहाँ पे, पर अब थोड़ा रिस्क लेते हैं। चलो ठीक है भाई, अरे ये लैपिस लाजूली है क्या, परफेक्ट जगह टॉर्च लगाई मैंने। पहले यहाँ पे एक टॉर्च लगा के इसको ब्रेक करते हैं, पता तो नहीं मैंने उसको ब्रेक क्यों किया पर फिर भी, क्योंकि मुझको उसको लुटना था। ठीक है भाई यहाँ पे एक टॉर्च लगा लिया हमने, इसको भी ब्रेक करते हैं। क्या यार सर 2 ही लैपिस कितने मिले मुझको भाई, 13 लैपिस बहुत सही भाई। टॉर्च भी तोड़ लेता अपने ताकि, भाई साहब कितना ज़्यादा लावा है यहाँ पे। मैं ना सोच रहा हूँ कि इसको बंद ही कर दूँ, मेरी बिल्डिंग ब्लॉक कहाँ है भाई, इसकी जगह ये ले लो ग्रेवल। ठीक है ये बूम, अरे लग जा यार, ठीक है भाई लग गया।
मुझको ये नहीं पता मैं इसके आगे कैसे जाऊंगा, मुझको वाटर बकेट से जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अंधेरा क्यों हो जाता है इतना एकदम से? मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इसके एकदम साइड से माइन करूँ, क्योंकि गाइस कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, फिर अगर कभी मेरी पिकैक्स मतलब मैं खुद जल गया। वैसे मैं आपसे थोड़ा बहुत माइन करके मिलता हूँ। टन 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 टन, मुझे कुछ मिली नहीं यार भाई, मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा? ओ भाई ओके, सो भाई अब यहाँ पे आके हमको मिल चुका है अपना गोल्ड, और साइड में आयरन भी है क्या? हाँ भाई आयरन भी है, बहुत सही। गाइस मैं सोच ही रहा था कि मुझको कुछ क्यों नहीं मिल रहा, और तभी मुझको गोल्ड मिल गया। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं फटाफट से थोड़ा सा आगे, बस उम्मीद करेंगे कि डायमंड मिल जाए यार अच्छे खासे। चार जो भाई सिर्फ 3 डायमंड मिल जाएंगे ना भाई, बहुत होंगे मेरे लिए। तब मैं फटाफट, ओ भाई भाई साहब डायमंड मिल गए, बहुत सही भाई बहुत सही। कहीं ये देखो कितने प्यारे लगते हैं डायमंड गाइस। ठीक है भाई फटाफट से पहले चेक कर लेते हैं इनके आन पास, भाई आस पास मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, रेडस्टोन भी है, नाइस यार। पहले चेक कर लेते हैं कितने डायमंड है, और भाई आस पास ना बस कोई केव या लावा ना हो, वरना भाई कभी पोपट ही हो जाएगा अपना। टॉर्च लगाते हैं यहाँ पे, देखते हैं 4-5 हैं ये अभी तक, सिर्फ 5 डायमंड, 5 ही होंगे भाई पक्की बात। हाँ चलो कोई बात नहीं, अरे इसको नहीं तोड़ना, कोई बात नहीं कैसे, हमको 5 डायमंड तो मिल ही चुके हैं, बहुत सही भाई 5 डायमंड बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। हमारे पास एक इंचैंटिंग टेबल भी आ जाएगा एंड एक पिकैक्स भी आ जाएगी जो मुझको चाहिए। तो गाइस अभी आप देख लो मेरे पास 0 है, 1 2 3 4 5 6। ओ भाई एक मेरे ऊपर भी था, मैंने इतना ध्यान क्यों नहीं दिया। चलो भाई 6 आ चुके, अब तो अपने मज़े आ गए। अब गाइस इसको भाई मैं इसको ब्लॉक क्यों नहीं, मैं अच्छा उसके लिए तो 9 चाहिए होते ना। चलो जो भी होगा इस कोई बात नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा और माइन करेंगे इसी दिशा में जाके, थोड़ा रेस्टोरेंट में वो भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग इसी दिशा में जाके माइन करेंगे फटाफट से, और डायमंड ढूंढूंगा मैं। तो गाइस तब तक के लिए आप उसका टाइम लैप्स देखना, मैं उसके बाद आपसे मिलूंगा। और गाइस वीडियो को लाइक तो कर ही देना, क्योंकि मैं बहुत देर तक माइन कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया माइन करते हुए। एंड गाइस तो चलो अब मैं आपसे मिलता हूँ थोड़े बहुत। भाई जल्दी जल्दी ओके, तो गाइस अभी हमको मिल चुका अपना लैपटॉप लजूली। ओके गाइस अब हम इसको माइन करते, कितने हैं भाई? मुझको 4 ही लग रहे होंगे। हाँ भाई 4 ही हैं, ये कुछ ज़्यादा ही ना हो। देखा भाई ज़्यादा ही हैं, 4-6 हैं शायद से, है ना। इनको माइन कर लेता कभी गाइस, रुको ज़रा पहले मैं इसकी, हाँ ये देखो गाइस कितनी प्यारी लगती है डायमंड्स के एडवांसमेंट, इतनी खुशी मिलती है ना इसके एडवांसमेंट लेके, भाई क्या बताऊँ अब मैं। फटाफट से इनको ये माइन कर लेता। ठीक है भाई 6 ब्लॉक्स थे, हम यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा और, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, अब हम यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा और आगे टॉर्च लगा लगा के, ताकि भाई हमको थोड़े और डायमंड मिल जाए। और भाई अभी तो मैं अच्छे से डायमंड लेके ही जाऊंगा अगर एक बार आ गया हूँ तो, क्योंकि भाई मैं दोबारा इस केव में नहीं आऊँगा, पता नहीं क्यों नहीं आऊँगा, पर भाई बस मैं नहीं आऊँगा। एंड गाइस अभी अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का वॉइस आ रहा हो तो उसको इग्नोर करना प्लीज़, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है। तो अभी हम लोग ना इसकी कोई एडवांसमेंट हो ठीक है गोल्ड की, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ये रहा गोल्ड, कोई एडवांसमेंट है नहीं है भाई, मुश्किल होती होगी यार कोई अच्छी सी एडवांसमेंट। चलो छोड़ो भाई जो भी हो, अभी हम लोग फटाफट से भाई मेरे पे क्या छोड़ोगे इसको, चलो फटाफट से बनाते हैं हम। ठीक है भाई अब हमारा आयरन भी पक चुका है, मैं ना सोच रहा हूँ कि जो मेरा 6 डायमंड्स हैं इनको ना भाई यहीं पे डाल देता हूँ और कोल ले जाता हूँ, क्योंकि भाई कुछ पक्का नहीं, और अभी तो मैं भाई वो चेस्ट भी नहीं बना सकता हूँ, तो भाई कुछ पक्का नहीं है कि कब डायमंड मिले और कब ना मिले। तो भाई जो भी अभी हम लोग ना थोड़ी सी और आगे जाके माइनिंग करते हैं, उससे पहले मैं जो मेन चीज़ बनाना था वो तो बना ही लूँ ना भाई, उसके लिए मुझको क्या चाहिए था मैं भूल गया, हाँ भाई पिकैक्स चाहिए थे। ठीक है भाई पिकैक्स हमने बना लिए, अब हम जाके करते हैं और माइनिंग।
गाइस मुझे अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ से 15 ब्लॉक आगे जाती है मुझको टाइम, क्या भाई क्या कोइंसिडेंस है, बोल ही रहा था कि 15 ब्लॉक आगे जाके मुझको डायमंड मिलेंगे, और भाई लो भाई वो मैं इसके ऊपर क्यों लगा रहा हूँ टॉर्च भाई, वो यहीं पर मिल गए, बताओ ज़रा कितना लग गया। और गाइस मैंने आपको बताना भूल गया कि मैं ऐसे ऐसे बॉक्स में आके माइनिंग कर रहा था, क्योंकि भाई मेरे पास आयरन की भी कमी थी और पिकैक्स भाई मैं ख़त्म नहीं करना चाहता था। गाइस अभी हम लोग फटाफट से इसको तोड़ लेते हैं, देखते हैं भाई से क्या कितने कितने मिलेंगे मुझको, लग रहा है कुछ 6 ही होंगे डायमंड्स, 6 या ऐसे कुछ होंगे, 5 हैं शायद से मेरे। अरे यार मैं नीचे क्यों गिर गया भाई, मुझके साथ में बहुत गुस्सा आता है, मुझको पूरा वाटर से प्रोसेस करना पड़ेगा, कोल लूँ ना लूँ, नहीं लेते हो भाई, बहुत सारा कोल है अपने पास। हम लोग फटाफट यहाँ पर डालते अपनी बाल्टी, अरे यार एक तो ब्लॉक, अरे लग जा भाई, ठीक है भाई लग गया। एंड गाइस अगर आपको स्काई वॉर्स की अगर आपको और मूवी चाहिए, मूवी को कह रहा हूँ मैं, क्या हो गया मेरे को। एंड गाइस अगर आपको स्काई वॉर्स की और वो चाहिए एपिसोड चाहिए होंगे तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, क्योंकि भाई इनको खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से ना वापस चले जाऊँ, क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं करने को, सोच रहा हूँ वापस चले जाता हूँ। ठीक है गाइस अभी मैं आपसे घर जाके मिलता हूँ फटाफट से, यहाँ पे डायमंड मिले थे ना मुझको, हाँ भाई नहीं डायमंड तो नहीं कुछ और ही मिला था, लैपिस। ठीक है भाई फटाफट से अब हम इसको भी यहाँ पे रख देते हैं, मैं ना सोच रहा हूँ कि सीधा घर ही चला जाता हूँ। ठीक है गाइस अब मैं घर जाके मिलता हूँ आप लोगों से, मैं यहाँ से सीधा ऊपर जाऊँगा। ओके सो गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ, मैंने सारा पार्ट काट दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए गाइस बस मैंने वो पार्ट काट दिया। तो गाइस आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी को ज़रूर से दबा देना ऐसी मोर ऑसम कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।